नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्तामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्तामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। बेसिकली आज का यहाँ पे जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग MBBS इन यूक्रेन। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मेरा निवेदन है ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियोस के भी आपको बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए दोस्तों बात शुरू करते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग MBBS इन यूक्रेन के बारे में। तो यूक्रेन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूक्रेन का जो बेसिकली लोकेशन है रशिया से अलग हुआ कंट्री है, लेकिन अगर लोकेशन आप देखेंगे तो एक साइड पे रशिया से गिरा हुआ है और बाकी के जो पोर्शन है मोस्ट प्रोबेबली जब यूरोपियन कंट्री से गिरे हुए हैं। अगर यूक्रेन को दो पार्ट में अगर आप डिवाइड करते हो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट के अंदर, तो ज्यादातर जो वेस्टर्न यूक्रेन का पार्ट है वो यूरोपियन कंट्री से गिरा हुआ है लाइक पोलैंड, हंगेरी, स्लोवेकिया। तो उसकी बदौलत वहां पे आपको थोड़ा यूरोपियन कल्चर का माहौल ज्यादा देखने को मिलेगा वेस्टर्न पार्ट के अंदर। अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो वेस्टर्न यूक्रेन की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे जो मेजर सिटीज आई हुई है जैसे वहां पे लवीव है, इवानो फ्रेंकिवस्क है, टर्नोपिल है, बुकोविनियन है, या जो भी सिटीज है वो बेसिकली एयरपोर्ट फैसिलिटी से जुड़ी हुई है। कुछ कुछ सिटीज के अंदर डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, कुछ कुछ सिटीज के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वैसे ही अगर रेलवे की बात करेंगे तो हर सिटी रेलवे से कनेक्टेड है फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द यूक्रेन एज वेल एज दूसरी सिटी के साथ भी रेलवे कनेक्ट हो रही है वहां से। बाय रोड फैसिलिटी बात करेंगे तो हर एक जगह पे बस फैसिलिटी अवेलेबल है और टैक्सी फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ पे एक मेजर क्वेश्चन वो भी आता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से पार्ट को रेफरेंस में लेना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू द सोफ्तामो ओपिनियन अगर आप बात करेंगे तो हम लोग वेस्टर्न पार्ट को ही प्रीफर करते हैं। रीजन जैसे हमने बोला कि यूरोप से सता हुआ कंट्री है तो वहां पे यूरोपियन कल्चर का थोड़ा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, उसके अलावा इंग्लिश का भी आपको फ्लुएंसी वहां पे थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा कंपेयर टू अदर सिटीज। तो अगर वेस्टर्न पार्ट के अंदर यूनिवर्सिटीज की हम लोग बात करेंगे तो इवानो फ्रेंकिवस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, दूसरा जो यूनिवर्सिटी है लविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी को आप प्रीफर कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई करने का एडवांटेजेस क्या रहेगा। तो अगर एडवांटेजेस की बात करेंगे तो यूक्रेन की मेजर यूनिवर्सिटीज अराउंड 80% यूनिवर्सिटीज जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट बहुत कम है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे फीस के बारे में तो इकोनॉमिकली काफी बेटर ऑप्शन बोल सकते हो कम्पेयर टू अदर कंट्री, इवन फ्रॉम द इंडिया फीस काफी कम हो जाती है वहां पे। अगर फीस की बात की जाए तो $3,500 से लेके करीबन $5,000 के बीच में यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है। फीस के अलावा लिविंग एक्सपेंस की बात की जाए तो अकोमोडेशन जो है वो करीबन $450 से लेके या $400 से लेके आपको $1,000 के बीच में अवेलेबल है, डिपेंड ऑन द सिटी, आप कौन से सिटी में जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इवन आप प्राइवेट अकोमोडेशन भी लेते हो, अपार्टमेंट अगर आप 4 शेयरिंग या 3 शेयरिंग के अंदर आप लेते हो तो वहाँ पे एक साल का करीबन आपका मैक्सिमम $1,500 से $2,000 के बीच में आपको अपार्टमेंट मिल सकता है। तो इकोनॉमिकली लिविंग एक्सपेंस भी बहुत कम रहता है। अगर फूड्स की और उसकी बात करेंगे रेगुलर नीड्स की तो कंपेयर टू इंडिया ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हो जाती है आपको। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे रिकॉग्निशन की या फिर एक्रेडिशन के बारे में तो यहाँ पे हर एक टाइप का एक्रेडिशन इनके पास अवेलेबल है। जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उनके पास ECFMG का एक्रेडिशन अवेलेबल है जो कि US या गल्फ कंट्री के अंदर आपको जाना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड है। GMC एक्रेडिशन अवेलेबल है जो कि रिक्वायरमेंट रहता है आपका UK कंट्री के अंदर जाने के लिए। AMC एक्रेडिशन भी अवेलेबल है अगर आप फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए सोच रहे हो PG के लिए। तो उसके अलावा MCA एक्रेडिशन तो है ही हर एक यूनिवर्सिटी के पास अगर आपको इंडिया में आके प्रैक्टिस करनी है उसके लिए, और MCNZ वो भी है एक्रेडिशन जो कि आप न्यूजीलैंड अगर जाना चाहते हो वहां से पढ़ाई करने के बाद PG के लिए तो वो भी एक्रेडिटेड है। तो एक्रेडिशन का या रिकॉग्निशन का कोई इशू नहीं रहता है यहाँ पे। दूसरी उसके बाद आती है बात मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वहाँ पे कंप्लीटली 6 ईयर इंग्लिश मीडियम कोर्स अवेलेबल है तो यहाँ पे लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस होगा। दूसरा जैसे हमने आपको बोला कि यूरोप के नज़दीक में वेस्टर्न यूक्रेन आया हुआ है तो वेस्टर्न यूक्रेन के अंदर आप सिलेक्शन करते हो कोई भी यूनिवर्सिटी का तो एक तो यूरोपियन कल्चर का आपको बेनिफिट मिलता है, दूसरा यूरोप के नज़दीक होने की वजह से इंग्लिश का वहाँ पे जो स्पीकिंग लेवल है वो काफ़ी बेटर है कम्पेयर टू द अदर सिटी ऑफ यूक्रेन, और उसके अलावा जो करप्शन लेवल है वो कंपेयर टू द अदर सिटी ऑफ यूक्रेन से यूक्रेन के अंदर करप्शन लेवल है वहां पे, लेकिन वेस्टर्न यूक्रेन के अंदर वो करप्शन लेवल बहुत कम हो जाता है। दूसरी अगर एडवांटेज देखेंगे जो सबसे मेजर एडवांटेज आप बोल सकते हो अगर एज ए मेडिकल स्टूडेंट आप बात करते हो तो वहां पे कोई भी यूनिवर्सिटीज है वेस्टर्न यूक्रेन के अंदर वो इंटर्न लिंक है दूसरी यूरोपियन यूनिवर्सिटी के साथ, तो उसकी वजह से रेगुलर कॉन्फ्रेंसिस के अंदर आपको पार्टिसिपेट करने का चांस मिलता है
एक्सचेंज प्रोग्राम्स रहते हैं वहाँ पे कुछ कुछ, तो एक्सचेंज प्रोग्राम का भी आपको बेनिफिट मिलता है। प्रोजेक्ट्स रहते हैं मेडिकल के, प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको काम करने को चांस मिलता है, फील्ड वर्क रहता है आपका। तो ये सब चीज़ों की वजह से मेडिकल स्टूडेंट जो रहता है उसको फर्स्ट एंड प्रैक्टिस जो चाहिए वो वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। उसके वजह से प्रैक्टिकल एक्सपोजर जितना अच्छा रहेगा उतना आपको आगे एकेडमिक के अंदर भी बेनिफिट रहेगा, एज वेल एज जब एफएमजी क्लियर करने जाएंगे, कि जो हमने एक एफएमजी का वीडियो बनाया था कि जो इन फ्यूचर जो नेक्स्ट की एग्जाम आने वाली है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहने वाली है। तो जितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपके पास रहेगा उतना आपको बेनिफिट रहेगा, तो ये एक आपके लिए बड़ा एडवांटेज हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा एक पहलू ये भी बोल सकते हो कि जो कम्युनिकेशन है विद द टीचर, वेस्टर्न यूक्रेन के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बेसिकली, तो टीचर्स का जो फ्लुएंसी है इंग्लिश में वो काफ़ी बेटर है कम्पेयर टू द अदर सिटीज़ ऑफ यूक्रेन। दूसरा यहाँ पे जैसे हमने बोला करप्शन लेवल कम है, तो स्ट्रिक्टनेस लेवल भी आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम लोग वेस्टर्न यूक्रेन के अंदर सबसे स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो एक इवानो फ्रेंकिवस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी एज वेल एज टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट है एजुकेशन के बारे में। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है सेफ्टी के बारे में, तो यहाँ पे अगर गर्ल्स सेफ्टी की बात की जाए तो वेस्टर्न यूक्रेन काफ़ी सेफ प्लेस माना जाता है गर्ल्स के लिए अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी। दूसरा एक एडवांटेज ये भी आप बोल सकते हो यहाँ पे यूक्रेन के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से कि वहाँ पे ग्रुप कोचिंग दिया जाता है आपको। ग्रुप कोचिंग दैट मीन्स एक टीचर के सामने 10 स्टूडेंट का या 14 स्टूडेंट का मैक्सिमम ग्रुप होता है, मीन्स टीचर का स्टूडेंट की और कॉन्सेंट्रेशन लेवल काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा। तो आई थिंक दोस्तों आज के इस टॉपिक के अंदर हमने और जो भी एडवांटेजेज है यूक्रेन के बारे में वो ट्राई किए हुए आपको एक्सप्लेन करने के लिए, काफ़ी हद तक आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना या सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे जो दिए गए फ़ोन नंबर है उसके ऊपर आप कॉल भी कर सकते हैं जिससे कि हमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाए। उसके अलावा चैट सेक्शन दिया गया है नीचे, चैट सेक्शन के ऊपर जाके आप चैट पे भी बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से निवेदन है मेरा, अगर आपने ये सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो को बेनिफिट मिल पाए। धन्यवाद, टेक केयर।